ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आफ्टर ऑलमोस्ट एक या डेढ़ महीने के गैप के बाद आई एम बैक। कुछ चीज़ें थी लाइफ में जो सॉर्ट आउट करनी थी और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए डीले हो गया। आई नो आप लोगों ने बहुत कॉमेंट्स करे, बहुत बार बोला मैम आप कब आओगे, कब फिर से वीडियोज़ बनाओगे, बट दिस टाइम आई एम टेलिंग यू जो चीज़ें शायद लाइफ में बहुत प्रॉब्लम कर रही थी वहाँ मैंने भी कोशिश करी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे सॉर्ट आउट करने की। बाकी आप लोगों की गुड विशेज़ और ब्लेसिंग्स की वजह से आई एम बैक अगेन, एंड दिस टाइम आई एम टेलिंग यू कि मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर रहूँगी आप लोगों को। जो एक मेरे से शायद एक शिकायत होगी कि मैम पता नहीं कहाँ चले गई, पता नहीं उन्होंने चैनल छोड़ दिया, कुछ लोग कहते हैं आप शायद अब वीडियोस ही नहीं बनाओगे, तो एक वो जो एक कंफ्यूजन था बहुत ज़्यादा कि अब ये चैनल पे पता नहीं आएंगी कि नहीं वीडियोस, अब वो सब चीज़ें वापस आएंगी और रेगुलर आएंगी। काफ़ी कुछ जो प्रॉब्लम था वो मेरा रिजॉल्व हो गया है। सो इसी खुशी के नोट पे हम आज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे, जो कि आप लोगों के फेवरेट टॉपिक पर है, जो कि है नो कॉन्टैक्ट पे। जो लोग अपने पार्टनर से किसी भी रीज़न की वजह से दूर हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही, ऑन ऑफ सिचुएशन में है, या कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ लोगों के लिए शायद साल भी हो सकता है बात नहीं हो रही, तो क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या वो सोचते हैं, क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है, हम दोनों तरफ से देखेंगे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और उनके लिए भी देखेंगे, ठीक है। सो जितनी आप लोगों से रेजोनेट हो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो फोर्स नहीं करना है, जनरल रीडिंग की तरह लेना है। और दूसरी बात, अपने नाम राशि से, सन साइन, मून साइन, चाहे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जिस भी राशि से आपको ज़्यादा मैच करती हैं चीज़ें, आप उस हिसाब से देखें और रीडिंग को समझें। लास्ट में आपके लिए गाइडेंस होगी तो वहाँ से हम करेंगे। सो अब रीडिंग को करते हैं फटाफट से स्टार्ट फ्रेंड्स। ऑल राइट, सो माई डियर अक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, सो कुंभ राशि स्नो कॉन्टैक्ट में हम देखना चाहेंगे कि आप और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। और हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं आपकी फीलिंग्स के साथ, आपकी इंटरनल फीलिंग्स के साथ। सबसे पहले आप क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है आपके माइंड में अगले एक हफ्ते। तो कार्ड है जजमेंट का, द हाई प्रीस्टेस, एट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड थ्री ऑफ कप्स। देखिए मुझे अक्वेरियस, आप ना अब ऐसे एक दोराहे पे कहें या एक ऐसे समय पर आकर खड़े नज़र आ रहे हैं जहां पर आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में। शायद आपने अब तक या तो बहुत मेहनत कर ली है या मेहनत कर कर के एक ऐसे दौर पे आ चुके हैं, एक ऐसे रिश्ते में, एक ऐसे जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर अब आपको ऐसा लगता है कि आगे मेरा अब क्या होना है। बहुत सोच रहे हैं, बहुत समझदारी से आप प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जल्दबाजी में किसी चीज़ को कर रहे हैं या आपके जो मन में आता है आप बस बेफिक्र होके करते जाते हैं। आप बेसिकली अपनी लाइफ में लोगों के साथ मिलकर खुश रहना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी वाला कलेश नहीं चाहते। आप चाहते हैं आपका पार्टनर आपका फुल फ्लैश्ड साथ दे। अगर वो आपके साथ इतने समय रहा है, इतने लंबा आप दोनों ने एक दूसरे को टाइम दिया है, अब वो क्यों आपका साथ नहीं दे रहा, या अब वो क्यों एक डिसीज़न नहीं बना रहा, तो आप कहीं ना कहीं उसके बदलने का या उसके एक बहुत बड़े चेंज का, एक बदलाव का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह एक बदलाव आए आप दोनों के बीच में। और ये जितनी भी मेहनत आपने अब तक की है इस रिश्ते में उसका आपको रिवॉर्ड मिले, बेसिकली मुझे कुछ इस तरह की आपकी एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी एनर्जी। अब मैं देखती हूँ कि आपके पार्टनर भी अगले हफ्ते कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं या उनकी कोई और थॉट्स हैं। सो अक्वेरियस राशि के पार्टनर के क्या विचार हैं या क्या एनर्जी रहेगी उनकी अगले एक हफ्ते, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। द डेविल, टेम्परेंस, लवर्स,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे आपके पार्टनर की जो ये रीडिंग ही शुरू द डेविल से हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये या तो बहुत ज़्यादा आपके लिए सेक्सुअली बहुत ज़्यादा, या मतलब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इसका झुकाव है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में बिजी है, या तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, एक हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ये आपके साथ इन सब चीज़ों की वजह से बहुत दूर है आपसे, क्योंकि नो कांटेक्ट हो गया है और ये आपको बार बार याद करता है। लवर्स का कार्ड आया तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा झुकाव रखते हैं, लव रखते हैं, और इस तरह से भी आपके साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं और आपको मिस करते हैं, जो मुझे दिख रहा है। बट कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें इस कार्ड को, द डेविल और लवर्स के बीच में टेम्परेंस आया, तो ये एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं मेरा प्यार जो कि है इसके प्रति, कुंभ राशि के प्रति यानी आपके प्रति, कहीं ये एक सेक्सुअली इंटीमेसी है आप दो आपके तरफ, या फिर आपकी तरफ एक प्यार है, तो उसके बीच में एक बहुत सामंजस्य कहते हैं ना बिठाने की अपने माइंड में कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, बार 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 पुरानी जो चीज़ें आप दोनों के बीच में हो चुकी हैं उसके बारे में आकर अटक जाते हैं। फिलहाल मुझे जो चीज़ें दिख रही हैं इनके एंड पे, वो ये दिख रही हैं कि ये अभी अपने मन में ही बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे विचारों में फंसे हुए हैं। अगर मुझसे आप पूछें कुंभ राशि, तो मैं आपको कहूँगी कि ऐसे व्यक्ति से यदि आपकी बात हो रही है तो थोड़ा आप समय दें और बहुत सोच समझकर उनके मन की बात को जानने की कोशिश करें कि वो आपसे चाहते क्या हैं। बेसिकली अगर वो अभी भी कंफ्यूज हैं या अभी भी वो यही नहीं समझ पा रहे कि उनका आपके साथ किस तरह का प्यार है, सिर्फ एक जुड़ाव ही है या फिर कोई सच्चा प्यार है ने आपसे, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं जानने की। हो सके तो इनसे एक मीटिंग करें, बातचीत करें, क्योंकि नो कांटेक्ट में तो आप कुछ भी नहीं कर रहे और आप अलग होकर पता नहीं क्या क्या सोचे चले जा रहे हैं। सो इस इंसान को देखें ये किस तरह की डेविल एनर्जी में है, किस तरह की सोच में है, खाली सोच रहा है नेगेटिव या कोई नेगेटिव चीज़ें भी कर रहा है। सो आपको इसकी क्लैरिटी लेनी होगी। अगर आप इससे बहुत दूर हैं तो फिर आपको जानने की बहुत ज़रूरत है इसके बारे में, ठीक है। सो मुझे अगले एक हफ्ते ये कुछ करते तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन सोचते और नेगेटिव होते बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि क्या है आपके लिए डिवाइन गाइडेंस, और उसके लिए कार्ड्स पुल अप करते हैं। डिवाइन गाइडेंस फॉर एक्वेरियस राशि, एक्वेरियस, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखिए, आपको जिस तरह के आपका पार्टनर अभी इतना नेगेटिव सोच में है और एनर्जी में है, डेफिनेटली आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, और एक ऐसे इंसान की जो आपको क्लैरिटी दे। हो सके तो अपने पार्टनर से डायरेक्ट बात करें, इस नो कांटेक्ट को ख़त्म नहीं भी कर सकते, बट एक ऐसे लेवल पे तो जा सकते हैं जहाँ पे आप दोनों क्लैरिटी से बात कर सकें। अगला है फॉरगिवनेस का। देखिए, अगर पॉसिबल है तो ज़रूर माफ़ करें इस पर्सन को, अगर सच्चाई इतनी कड़वी नहीं है और दुख इतना बड़ा नहीं है तो आप इन्हें माफ़ भी कर सकते हैं। अगर कोई छोटा मोटा झगड़ा है या प्रॉब्लम है तो आगे बढ़ सकते हैं। बाकी तो ज़्यादा आपको पता है कि इन्होंने, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, किसके लिए क्या लागू होगा, तो सबको मैं एक चीज़ नहीं बोल सकती, बट कहानी, अपनी कहानी के अनुसार देखें कि किसके लिए क्या ज़रूरी है, इन्हें माफ़ कर सकते हैं या नहीं, क्या इनका इतना बड़ा अपराध है या इतनी बड़ी इनकी गलती है। बट अगर माफ़ कर सकते हैं तो ज़रूर माफ़ करें और इन्हें अपने जीवन में वापस लाने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि डिवाइन आपको फॉरगिवनेस कह रहे हैं। और फॉरगिवनेस ना सिर्फ दूसरे को नहीं है, आप अपने आप को भी कुछ चीज़ों के लिए माफ़ कर सकते हैं, कुछ चीज़ें अगर आपसे खुद के लिए भी गलत हो गई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है एक्वेरियस राशि की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग फ्रेंड्स आपसे मैच किया है और रेजोनेट किया है, प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कैसी लगी रीडिंग। और अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना तो नंबर मेंशन है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत करें डायरेक्ट, पहले व्हाट्सएप करें, फिर मैं आपसे डायरेक्ट बात करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी रीडिंग को यहीं करते हैं, विश्राम देते हैं और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। सो बाय फॉर नाउ।